वेलकम टू रेखा ऑनलाइन क्लासेस टुडे वी विल रीड चैप्टर नंबर फोर लैंडस्केप ऑफ द सोल ऑफ हॉर्नविल दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय ट्रू रॉय नाउ वी स्टार्ट द स्टोरी अ वंडरफुल ओल्ड टेल इज़ टोल्ड अबाउट द पेंटर वो दाउजी हु लिव्ड इन द एथ सेंचुरी एक कहानी सुनाई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा वंडरफुल है और पुरानी है एक पेंटर के बारे में जिसका नेम था वो दाउजी और जो एट सेंचुरी में रहता था ये बात एट सेंचुरी की है हिज लास्ट पेंटिंग वॉज अ लैंडस्केप कमीशन द टेंग एम्प्र टेंग एम्प्रर जो जोंग टू डेकोरेट आ पैलेस वॉल और उसकी जो लास्ट पेंटिंग थी वो एक लैंडस्केप थी जिसको ऑर्डर दिया था बनाने के लिए टैंग एम्प्रर जुजोंग ने टू डेकोरेट यानी कि एक पैलेस की अपने महल की दीवार को डेकोरेट करने के लिए द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड स्क्रीन सो ओनली द एम्प्रर वुड सी इट और जो पेंटर था उसने अपने वर्क यानी कि अपनी पेंटिंग को एक स्क्रीन के पीछे ढक दिया था छिपा दिया था जिससे कि केवल उसे एम्प्रर ही देख सके और कोई उस पेंटिंग को ना देख सके फॉर अ लॉन्ग वाइल द एम्पर एडमायर द वंडरफुल सीन डिस्कवरिंग फॉरेस्ट हाई माउंटेंस वाटरफॉल्स क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन एमेंस स्काई काफ़ी लंबे समय तक एम्प्रर काफ़ी प्रशंसा करता था जो सीनरी में बनी हुई थी जैसे कि वंडरफुल सीन्स थे डिस्कवरिंग फॉरेस्ट थे हाई माउंटेंस थे वाटरफॉल्स थे क्लाउड्स फ्लोटिंग कर रहे थे इमेंस स्काई में इमेंस स्काई ना अनंत आकाश में जो बादल थे वो फ्लोट कर रहे थे मैन ऑन हिली पाथ्स और जो मैन थे वो हिली पाथ्स पर थे बर्ड्स इन फ्लाइट और जो चिड़िया थी वो फ्लाई कर रही थी लुक सार सैड द पेंटर पेंटर ने कहा सर देखिए इन दिस केव एट द फूट ऑफ द इस केव में आ, जो फुट ऑफ़ द माउंटेन यानी माउंटेन के नीचे जो निचला जो हिस्सा है उसमें एक केव बनी हुई है ड्वेल्स आ स्प्रिट उसमें एक आत्मा रहती है द पेंटर clapped हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस टू द केव opened. पेंटर ने अपने हाथों से ताली बजाई और उस गुफ़ा का दरवाज़ा खुल गया कौन सी गुफा का जो उस पेंटिंग में गुफा बनी हुई थी उस गुफा की तरफ इशारा करते हुए पेंटर एम्प्रर से कहता है कि सर देखिए ये पेंटिंग है इसमें एक गुफा है जो माउंटेंस है उसके नीचे गुफा बनी हुई है फिर वो अपने हाथों से ताली बजाता है और बोल और जो गुफ़ा का जो एंट्रेंस है जो डोर है वो खुल जाता है द इनसाइड इज स्प्लेंडिड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे और जो अंदर का सीन था वो और भी ज़्यादा शानदार था इतना शानदार था कि वो वर्ड्स में कन्वे नहीं किया जा सकता था प्लीज लेट मी शो योर मजेस्टी द वे अब वो एम्प्र से बोलता है पेंटर कि कृपया मुझे आपको रास्ता दिखाने दीजिए द पेंटर एंटर द केव सॉरी द पेंटर एंटर द केव बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम और जो पेंटर था वो केव में एंटर हो गया और जो एंट्रेंस था यानी कि जो गुफा का जो दरवाजा था वो बंद हो गया जैसे ही वो उसके अंदर एंटर हुआ गुफा के अंदर वैसे ही गुफा का दरवाज़ा बंद हो गया एंड बिफोर द एस्टोनिस्ट एम्पर कुड मूव और अटर अ वर्ड और इससे पहले कि जो एम्पर एस्टोनिस्ट एस्टो मीन सरप्राइज जो एम्पर बहुत ज़्यादा सरप्राइज रह गया था कि भाई वो एकदम से पेंटर जो है गुफा के अंदर चला गया गुफा का दरवाज़ा बंद हो गया तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज था वो एम्पर इससे पहले कि वो मूव होता या कुछ एक बर्ड बोलता अटर मीन बोलना स्पीक द पेंटिंग हैड मैनेस्ड फ्रॉम द वॉल यानी कि वो पेंटिंग जो थी वो भी दीवार से अदृश्य हो गई नॉट अ ट्रेस ऑफ बुदावजीज ब्रश वॉज लेफ्ट अब बुदावजी की ब्रश का एक भी निशान मैं वहाँ पर नहीं बचा मीन्स यानी पेंटिंग का एक भी निशान वहाँ पर नहीं बचा एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड और उस आर्टिस्ट को फिर कभी इस संसार में नहीं देखा गया सच स्टोरीज़ प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन और इसी प्रकार की जो स्टोरीज़ हैं वो चाइना के क्लासिकल एजुकेशन में एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं द बुक्स ऑफ कन्फ्यूसिस एंड जोंगजी आर फुल ऑफ देम और जो कन्फ्यूसिस हैं जोंगजी हैं इनकी जो बुक्स हैं वो इनसे भरी हुई हैं यानी कि ऐसी स्टोरी से भरी हुई हैं दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिस्पिल इन द राइट डायरेक्शन और ये जो स्टोरीज़ हैं ये हेल्प करती हैं मास्टर को जिससे कि वो अपने डिस्पिल को वो अपने शिष्य को गाइड कर सकें सही डायरेक्शन में बियॉन्ड द एनेकडोट दे आर डीपली रिविलिंग ऑफ द स्प्रिट इन यानी कि जो एनेक्डोट यानी शॉर्ट स्टोरी शॉर्ट स्टोरी से परे यानी कि यहाँ पर जो कई सारी ऐसी स्टोरीज हैं जिनमें स्प्रिट को रिवील किया गया है एक्सप्लेन किया गया है विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड मीन्स जिसमें आर्ट को कंसिडर किया जाता है इसमें कला को समझा जाता है कंट्रास्ट दिस स्टोरी इस स्टोरी के विपरीत और एनोदर फेमस वन एक और स्टोरी है अबाउट अ पेंटर एक पेंटर के बारे में हु विडेंट ड्रॉ द आई ऑफ अ ड्रैगन ही हैड पेंटेड उसने ड्रैगन की आई पेंट नहीं की थी उसने एक ड्रैगन की पिक्चर बनाई थी पिक्चर ड्रॉ की थी और उसमें उसने उसकी आईज़ नहीं बनाई थी क्यों नहीं बनाई थी फॉर फीयर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग क्योंकि उसे डर था कहीं ड्रैगन जो है वो पेंटिंग से निकलकर बाहर भाग ना जाए विद इन ओल्ड स्टोरी फ्राम माई नेटिव फलेंडर्स यानी जो मेरा नेटिव फलेंडर्स था फलेंडर्स प्लेस है जो मेरा नेटिव जगह थी वहाँ से ये पुरानी स्टोरी है दैट आई फाइंड जो मैं पाता हूँ मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग ये स्टोरी जो है वो वेस्टर्न पेंटिंग को रिप्रेजेंट सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट करती है इन फिफ्टीन सेंचुरी एंड वर्क अ मास्टर ब्लैक स्मिथ कॉल्ड क्विंटिन मेस्ट इज फैल इन लव विद अ पेंटर्स अब नेक्स्ट स्टोरी है जो फिफ्टीन सेंचुरी की है और जो एंड बर्थ जगह है वहाँ एक मास्टर यानी कि ब्लैक स्मिथ रहता था जिसका नेम था क्विंटन मेस्टिस और उसे पेंटर की डॉटर से लव हो गया था द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट आर सन इन सच अ प्रोफेशन और उस डॉटर का जो फादर था उसने अपने सनील्ला को यानी कि क्विंटेन मेस्टिस को एक्सेप्ट नहीं किया था क्यों नहीं एक्सेप्ट किया क्योंकि वो बाई प्रोफेशन क्या था ब्लैक स्मिथ था सो क्विंटन स्निक्ड इन टू द पेंटर्स स्टूडियो इसीलिए जो क्विंटन था वो पेंटर के स्टूडियो में घुस आया एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन इज लेटेस्ट पैनल पैनल यानी कि जो जो जहाँ पर हम पेंटिंग बनाते हैं उस पैनल पर सबसे लेटेस्ट पैनल पर यानी कि अभी उस पर कुछ भी नहीं बनाया बनाया गया था वहाँ पर उसने क्या किया एक फ्लाई यानी कि एक मक्खी वहाँ पर पेंट कर दी विथ सच डेलीकेट रियलिज्म दैट द मास्टर ट्राई टू स्वेट इट अवे बिफोर ही रियलाइज वॉट हैड हैपन और उसने जो फ्लाई बनाई थी क्विंटन मेस्टिस ने जो फ्लाई बनाई थी वो इतनी डेलीकेट रियलिज्म रे, रे, लग रही थी डेलीकेट मीन्स बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और रियलिज्म बहुत ज़्यादा रियल लग रही थी कि मास्टर ने उसे उड़ाने की कोशिश भी की और इससे पहले कि वो समझ पाता कि क्या हुआ है मतलब ये नकली है इससे पहले कि वो समझ पाता कि उसने उसे मक्खी को उड़ाने की कोशिश की क्विंटेन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इन टू हिज स्टूडियो और फिर क्विंटेन को एक्सेप्ट कर लिया गया इमीडिएटली स्वीकार कर लिया गया अप्रेंटिस एक ट्रेनी के रूप में अपने स्टूडियो में यानी कि इस डॉटर के फादर ने अपने स्टूडियो में क्विंटेन को एक ट्रेनी के रूप, रूप में आ, स्वीकार कर लिया ही मैरिड इज बिलव्ड और फिर उसकी उस डॉटर उस गर्ल से शादी हो गई जिससे वो प्यार करता था एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ इस एज और वो अपने एज का अपने युग का सबसे अधिक जो फेमस पेंटर्स थे उनमें से एक बन गया दो दिस टू स्टोरीज इलस्ट्रेट वॉट इज फॉर्म आर्ट इज ट्राइंग टू और ये जो दो स्टोरी हैं वो इलस्ट्रेट करती हैं डिस्क्राइब करती हैं वॉट इज फॉर्म ऑफ आर्ट कि किस प्रकार की आर्ट ये जो स्टोरी है वो क्या अचीव करने की कोशिश करती हैं अ परफेक्ट एल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप एल्यूजनिस्टिक यानी कि भ्रम पैदा करती हैं लाइकनेस में समान रूप से यूरोप में द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्प्रिट इन एशिया एशिया में जो इनर लाइफ है जो आंतरिक जीवन है और जो स्प्रिट है उसके एसेंस को ये अचीव करती हैं इन द चाइनीज स्टोरीज द एम्प्रर कमीशंस आ पेंटिंग एंड अप्रिसट्स इट्स आउटर अपीरेंस चाइनीज स्टोरीज में जो एम्प्रर है वो पेंटिंग को ऑथराइज़ करता है बनाने का ऑर्डर देता है और फिर उसी पेंटिंग को वो उसकी जो आउटर अपीरेंस है उसकी अप्रिसिएट करता है उसको बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क लेकिन जो आर्टिस्ट है जो पेंटर है वो एम्प्रर को क्लियर करता है कि वो इसके काम जो उसने पेंटिंग की है उसके ट्रू मीनिंग को समझें द एम्प्रर में रूल ओवर द टेरिटरी यानी कि जो एक एम्प्रयर है जो एक राजा है जो एक सम्राट है वो अपने टेरिटरी पर अपने राज्य पर तो राज्य कर सकता है अपने किंगडम पर राज्य कर सकता है ही हैज कंक्ट जो उसने जीता है बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन लेकिन उसमें जो रहने का जो तरीका है वो केवल एक आर्टिस्ट ही जान सकता है लेट मी शो द वे दाओ अ वर्ड दट मीन्स बो द पाथ और द मैथड यानी कि जो बो दाओ जी जो पेंटर थे उन्होंने जो एम्प्रॉयर से कहा था कि लेट मी शो द वे मुझे वे दिखाने दो तरीका दिखाने दो ये दाओ का जो वर्ड था इसका जो मीनिंग है वो दो तरीके से हम समझ सकते हैं एक तो पाथ के रूप में एक रास्ते के रूप में और द मेथड दूसरा तरीके के रूप में एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स और इस तरह से जो यूनिवर्स है उसके जो भी रहस्यमय काम हैं जो भी रहस्यमय कार्य हैं उनके तरीकों को हम दो तरीके से समझ सकते हैं एक तो रास्ते के रूप में दूसरा तरीके के रूप में द पेंटिंग इज़ गोल यानी कि पेंटिंग तो चली गई बट द आर्टिस्ट हैज़ रीज हिज गोल लेकिन जो आर्टिस्ट था वो अपने गोल में पहुंच गया मतलब अपने गोल में सक्सेस हो गया बियॉन्ड एनी मेटेरियल अपीयरेंस बिना किसी मैटेयल अपीरेंस के वो अपने गोल तक पहुंचने में सक्सेस रहा अ क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप इज़ नॉट मीन टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू और जो क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप जो होती है उसका मीनिंग ये नहीं होता कि वो एक्चुअल व्यू को रिप्रोड्यूस करे एज वुड आ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग जैसा कि जो वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग होती हैं जैसा कि उनका मीनिंग है कि वो एक एक्चुअल व्यू को रिप्रोड्यूस करें ऐसा क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप का नहीं होता है कि दोनों में डिफरेंस होता है वीर एज द यूरोपियन पेंटर वॉन्स ड्यू टू वॉरो इज आइज़ एंड लुक एट आ पर्टिकुलर लैंडस्केप एक्सटली एज ई शॉ इट जहाँ यूरोपियन पेंटर होते हैं वो चाहते हैं कि आप उनकी आइज़ को वॉर करें और उनकी लैंडस्केप को एग्जेक्टली exactly वैसा ही देखें जैसा वो चाहते हैं मीन्स आइज बोरो करना यानी कि पेंटर की आँखों से देखें ना कि आप अपने माइंड से अपने इमेजिनेशन से देखें बल्कि पेंटर के नज़रिए से देखें कि वो इसने इसमें पेंटिंग में क्या पेंट करने की क्या समझाने की आपको कोशिश की है एग्जैक्टली exactly आप वही देखें जैसा कि वो पेंटर चाहता है फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल यानी कि एक स्पेसिफिक एंगल से आप देखें द चाइनीज द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज़ अ सिंगल व्यू पॉइंट और जो चाइनीज़ पेंटर होते हैं वो आपको चूज नहीं करते कि आप एक सिंगल व्यू पॉइंट से देखें कि एक ही नज़रिए से देखें हिज लैंडस्केप इज़ नॉट अ रियल वन उसका जो उस लैंडस्केप होती है वो एक रियल नहीं होती एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट यानी आप उस पॉइंट उसकी पेंटिंग में आप किसी भी एंगल से किसी भी पॉइंट से उसमें एंटर कर सकते हैं देन ट्रैवल इन इट फिर आप उसमें ट्रेवल कर सकते हैं द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आइज टू ट्रेवल अप एंड डाउन दैन बैक अगेन इन अ लेजरली मोमेंट यानी कि जो आर्टिस्ट होता है जिस उसकी जो पेंटिंग होती है यानी कि जो चाइनीज पेंटिंग होती है उसमें आप अपनी इमेजिनेशन से अपने आइज से आप अपनी इमेजिनेशन से उसमें ट्रैवल कर सकते हैं अप एंड डाउन फिर आप वापस आ सकते हैं इन अ मोमेंट आराम से आप वापस भी आ सकते हैं दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजेंटल स्क्रोल और ये हॉरिजेंटल स्क्रोल के एक केस में ये बात सच भी है कि इन विद द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन इज सेक्शन ऑफ द पेंटिंग जिसमें कि आप पेंटिंग के एक सेक्शन में आप क्या करते हैं धीरे देर धीरे उस ओपनिंग उप, करते हैं दैन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन टू द अदर और फिर आपको दूसरे सेक्शन में जाने के लिए उसको धीरे धीरे रोल करना पड़ता है एट्स आर डायमेंसन ऑफ टाइम जिसमें कि इस बात यानी कि समय का आ, आयाम दिखाया जाता है विच इज़ अन नोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग जो कि पेंटिंग के किसी दूसरे फॉर्म में अननोन है मतलब एक ऐसा टाइम का डायमेंशन दिखाया जाता है जिसमें कि अगर हम पेंटिंग के दूसरे फॉर्म के रूप में जाने हम तो वो चीज़ हमारे लिए भी अनोन है मींस यानी कि ये मतलब है इस लाइस का जैसे कि आप वन साइड से आप उसमें एंटर कर रहे हैं ठीक है फिर आपने उसमें अपने इमेजनरी आय से उसमें देखा या समझा फिर आपको दूसरे सेक्शन में जाने के लिए पहले को आपको फिनिश करना होगा यानी कि आपको स्क्रॉल करना होगा फिर आप दूसरे सेक्शन में आप जा सकते हैं और जो पेंटिंग का जो दूसरा एनी अदर फॉर्म है दूसरा जो वो आपके लिए अभी अननोन है तो उसमें एक डायमेंशन ऑफ टाइम यानी कि आपके लिए टाइम होना चाहिए इट आल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर और ये जो व्यूअर यानी कि जो देखने वाले हैं उनके एक्टिव पार्टिसिपेशन की रिक्वायरमेंट करती है कौन पेंटिंग यानी अगर आपको पेंटिंग देखनी है तो उसमें आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा हु डिसाइड्स एट वर्ड पेस ही विल ट्रेवल थ्रू द पेंटिंग जो कि डिसाइड करता है कि आप किस गति से उसमें ट्रैवल करेंगे पेंटिंग के थ्रू आप पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकल एज वेल एज मेंटल। यानी कि आप जब पेंटिंग में ट्रेवल करते हैं उसमें एंटर करते हैं तो आप जो पार्टिसिपेट करेंगे वो ना केवल फिजिकल होना चाहिए बल्कि मेंटल भी होना चाहिए द चाइनीज पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू वॉरो हिज आइज यानी कि जो चाइनीज पेंटर होते हैं वो नहीं चाहते कि आप उनके नज़रिए से देखें यानी कि वो नहीं चाहते कि आप उनके आइज़ को वॉरो करें ही वांट्स यू टू एंटर हिज माइंड बल्कि वो चाहते हैं कि आप अपने माइंड से उसमें एंटर करें द लैंडस्केप इज़ एन इनर वन स्पिरिचुअल एंड कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्चुअल स्पेस यानी कि जो लैंडस्केप होती है वो आंतरिक फीलिंग होती है स्पिरिचुअल होती है यानी कि एक कॉन्सेप्ट होता है स्पेस यानी कि आपको स्पेस प्रदान करता है कि आप इजीली उसमें अपने आराम से उसमें एंटर करें और अपने इमेजिनेटिव आइज से आप उसमें देखें ना कि आप जो चाइनीज पेंटर हैं आप उनके नज़रिए से इसको देखें Thank you.